आपको यह समझना है कि यह काम सही है या गलत है। दूसरा, इस काम को मुझे क्यों करना है। तीसरा, इस काम को करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो हम पे छोड़ दीजिए। आप तो सिर्फ दो बातों पर विचार कीजिए और डिसीजन लीजिए, इस काम को मुझे क्यों करना है, पहला। दूसरा, इस काम में गलत क्या है। अगर मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट लेता हूं तो गलत क्या है, और अगर मैं इसमें लोगों को जोड़ता हूं, लोगों को मेंबर बनाता हूं, चेन सिस्टम बनाता हूं, तो गलत क्या है। क्योंकि अगर बड़ा आदमी बनना है तो लोगों को जोड़ना तो पड़ेगा। अंबानी बिना जोड़े लोगों को बड़ा नहीं बन पाया, अडानी बड़ा नहीं बन पाया, LIC बड़ी नहीं बन पाई, बैंक बड़ा नहीं बन पाया। अरे इतनी बड़ी कंपनी की बात छोड़ो, आपके इलाके में जो डॉक्टर है वो बिना पेशेंटों को जोड़े बड़ा नहीं बन पाया, स्कूल का प्रबंधक बच्चों के माता पिता को जोड़े बिना बड़ा नहीं बन पाया, कपड़ों का व्यापारी ग्राहकों को जोड़े बिना बड़ा नहीं बन पाया, ना कोई नेता बड़ा बन पाया लोगों को जोड़े बिना, ना कोई अभिनेता बड़ा बन पाया। तो अगर बड़ा बनना है तो इसका मतलब लोगों को जोड़ना, यस और नो। अब लोगों को जोड़ना गलत नहीं है, मुद्दा यह है कि हम किस उद्देश्य के साथ जोड़ रहे हैं। यहां पर लोग राम के नाम पर जोड़ रहे हैं, रहीम के नाम पर जोड़ रहे हैं, वो हकीकत माने में जोड़ नहीं रहे, वो तोड़ रहे हैं, यस और नो। और एक ये मंच ऐसा है जिसमें राम को मानने वाला भी आ, रहीम को मानने वाला भी आ, बुद्ध को मानने वाला भी आ, सिखों के गुरु को मानने वाला भी आ, जैन को मानने वाला आ। हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम क्या काम करते हैं, जोड़ने का। क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इस एक छत के नीचे सभी धर्मों के लोग बैठे हैं, सभी जाति के लोग बैठे हैं। किसी ने अंदर आते समय आपसे पूछा किस जाति के, किसी ने आपसे पूछा किस धर्म के, जोड़ने वाला काम गलत है क्या? अरे गलत है क्या? नो सर। तो अगर नहीं है ना, तो फिर इस काम को करने में लोगों की जो ताने हैं उनसे कभी भी संकोच मत करना, क्योंकि लोगों के विचार, जब आप कामयाब हो जाओगे इस काम को करके, तो बदल जाएगी उनकी राय, बदल जाएगी। लोग बहुत हरामी हैं, बहुत हरामी हैं। आपके जीवन में जो चल रहा है उसके हिसाब से अपनी राय रखते हैं। हमारे महागुरु रामवीर सर बोलते हैं, पैसे तेरे तीन नाम, परसा परसु परसराम। एक बंदे का नाम था परशुराम, जब उसके पास में पैसे नहीं थे तो उसको आवाज लगाते थे, ओ परसा इधर आ। जब वो ठीक ठाक था तो उसको बोले, परसु भाई इधर आना। और जब वो पैसे वाला बन गया तो उसको बोले, परशुराम जी नमस्कार। पैसे तेरे तीन नाम, परसा परसु। आपको पता होना चाहिए आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्यों करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस काम को क्यों करना है। अगर आपके पास ना पैसे नहीं है तो आपको इस काम के अलावा और कौन सा काम भी मिल सकता है, मिल सकता है कोई काम? नहीं मिल सकता तो फिर आ जाओ ना यार, फिर क्यों नखरे दिखा रहे हो कटरीना की तरह है? अरे बात समझ में आ रही है, तो आ जाओ फिर ज्वाइन कर लो। करोगे? मुझे पता है आप में से अभी भी 10% 20% ऐसे लोग होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। मत करना, बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम पैसे वाले बन सकते हो, करोड़पति हो जाओगे, तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। और अगर तुम उनकी जिंदगी नहीं सुधारना चाहते, अगर तुम अपना बच्चों का भविष्य नहीं बनाना चाहते हो, तो इस काम को बिल्कुल मत करना, वही करना जो आप कर रहे हो। और अगर वहां से जिंदगी बन सकती है तो वो करो, और नहीं बन सकती तो ये कर लेना। दोस्त मेरी बनी है, दिनकर सर की बनी है, महेश रायकर सहित आज यहां पर 500 लोगों की जिंदगी बन चुकी है, आपकी भी बन सकती